लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद सीट से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र जैन सौली को फिरोजाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। फिरोजाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में घोषणा की गई। सत्येंद्र जैन सौली पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन सौली ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। गौरतलब है कि फिरोजाबाद लोकसभा पर जैन समाज सहित सभी वैश्य वर्गों की तादाद 2,50,000 से ज्यादा की है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने इस बार फिरोजाबाद लोकसभा पर जैन प्रत्याशी पर दाव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी इस सीट पर कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अभी तक बसपा कुल 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बसपा ने कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश द्विवेदी, बागपत से प्रवीण बैंसला, मेरठ से देवव्रत त्यागी, पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आगरा से पूजा अमरोही, सहारनपुर से माजिद अली, बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे, उन्नाव से अशोक पांडे, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य, आंवला से सैयद आबिद, शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी तक बसपा चीफ मायावती की ओर से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है।